नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है यूनिवर्सल फेस सीरर, और मैं हूं आपका दोस्त अभी समय। आज दोस्तों हम एक और नई साइकिल का रिव्यू करेंगे, जो कि बहुत ही अवेटेड साइकिल है हमारे लिए। डीकैथलॉन आप जानते होंगे, स्पोर्ट्स का ब्रांड है, उसी की साइकिल है रॉक राइडर। वो हमने बाय कर ली थी, दिल्ली वाले घर थी, पेंडेमिक के कारण हम जा नहीं पा रहे थे, तो अब हमने वो साइकिल यहाँ हमारे टीम के साथ ले आए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी गाइस, कैसे हैं? बढ़िया है। सब बढ़िया। हाँ जी, तो आप लोगों ने साइकिल चला ली है? तो दोस्तों आज हमारी टीम है हमारे साथ में, और हम सब लोग 7 दिनों से साइकिल को चला रहे हैं, तो अब हमारा सबका एक्सपीरियंस हो गया अच्छा सा, तो अब हम इस आज साइकिल का रिव्यू करेंगे, कंप्लीट रिव्यू करेंगे देखिए इस साइकिल का। तो सबसे पहले कौन बताएगा साइकिल के बारे में, कैसा लगा आपका अनुभव, कैसा लगा खुशी? साइकिल बहुत अच्छी है चलाने में। आप देखो ये वाली साइकिल चलाते हो है ना, ये वाली, तो इस साइकिल चलाने में और इस साइकिल को चलाने में आपको क्या अंतर लग रहा है? ये साइकिल में और उस साइकिल में बहुत अंतर है, इसको चलाने में भी मजा आता है, और इसकी टोकरी भी अच्छी है, और इसमें हम पानी की बोतल भी रख सकते हैं। ये भी अच्छी बात है, आपके में ये फीचर नहीं दिया ना, नोवा वालों ने ये फीचर नहीं दिया, तो ये एक अच्छी बात है। और इनको लड़का लड़की दोनों में चला सकते हैं, दोनों चला सकते हैं। राइडिंग का मजा आया? अच्छा, हैप्पी? आपका क्या टेक रहा? साइकिल बहुत अच्छी है, इसका कलर भी अच्छा है, और इसमें पानी रखने की स्टैंड भी है, जैसे कि इसमें अभी हमने लगाया नहीं। हाँ, इसमें दिया है लेकिन अभी लगाया नहीं, अभी है। लगाया उसमें भी साइकिल अलग से डीकैथलॉन से लिया था हमने। हाँ, और इसके ब्रेक भी पावर वाले हैं, जहाँ पे लगाते हैं वहीं पे रुक जाती है साइकिल, कमांड रहता है रोड पर। इसकी सीट भी अच्छी है, सीट भी अच्छी है। और एक छोटा सा टेक आपका, जैसे कि हैप्पी ने बोला कि इसके ब्रेक बहुत शानदार हैं, बिल्कुल एम्पा की तरह हैं, बिल्कुल तगड़े, और इसकी टोकरी भी काफी अच्छी है डिजाइन में, जैसे हमारी दूसरी। आप तो सबसे पहले ये बताओ कि राइडिंग का एक्सपीरियंस में क्या अंतर लगा आपको, क्योंकि आपने लगभग सारी साइकिलें चला ली है दोस्तों, है ना, फैट बाइक भी चला ली है, तो आपको चलाने का एक्सपीरियंस बताओ, बाकी तो हम एक एक करके बात करेंगे। चलाने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और साइकिलों से बहुत अच्छा, मतलब बहुत हल्की चलती है, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, और मजा आता है, और टायर पे उसके डिजाइन बन रखी है। अच्छा। जिससे उसकी ग्रिप बनती है, वो एक्चुअली ग्रिप के लिए। राइडिंग एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा, मतलब मजे आते हैं, सीट जितनी ऊंची रहती है इसकी, तो उसमें और तो दिल्ली से यहाँ लेके आने में फायदा रहा या नहीं रहा, या मैं वहीं पे चला था बायोडाइवर्सिटी पार्क में? बहुत फायदा। हाँ जी, आपने चलाई है अभी? अभी अभी चलाई आपने? तो स्मूथ चलती है, इसकी सीट बहुत अच्छी है, मतलब कोई थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो आवाज आएगी, ये एकदम स्मूथ चलती है, सीट इसकी बहुत अच्छी है, और अपन इसको कहीं पे भी चला सकते हैं, ऐसे ऑफ रोडिंग कहीं पे भी चला, दोनों के लिए पतले टायर है, एकदम अच्छी साइकिल है। और ब्रेक कैसी लगी आपने, लगाई? हाँ लगाए, बहुत जबरदस्ती ना पकड़ आती है, और सीट ऊंची रहती है तो अच्छा अच्छी चलती है ना, लाइट चलती है, और साइकिल का वजन भी देखा आपने, वजन कितना कम था। आपने चलाया भावेश? चलाया। कैसा लगा आपको? एकदम अच्छी लगी, बिल्कुल स्मूथ चलती है, बिल्कुल स्लो चलती है। ये साइकिल अलग चलती है, वो अलग चलती है, इसमें जो लगा। कौन सी साइकिल आपके पास अभी इस समय? ये एटलस की है, तो एटलस थोड़ी सी थोड़ा सा वजन होता है इसमें, थोड़ा तो वेट है, कम वजन होता है ये साइकिल। आप इस साइकिल को कितने सालों से चला रहे हो? 1.5 साल से। अच्छा ठीक है, और अब आपने ये राइड लिया अभी अभी, तो कैसा लगा वो साइकिल? ज्यादा पसंद आई, ज्यादा अच्छी। किस मामले में, किस तरह? इसके एक तो ब्रेक सबसे बेस्ट है, जो ब्रेक है इसके, ब्रेक अच्छे लगे आपको, ये सीट भी कंफर्टेबल है इसके। अच्छा, तो ये इसके स्टैंड है जो भी अच्छा है, स्टैंड भी अच्छा लगा। और कलर पे कोई नहीं बात कर रहा दोस्तों, वो बहुत यूनिक है ना, किसी साइकिल में बहुत कम मिलता है ना, कोई साइकिल मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं ना व्हाइट, तो और हमारी टीम से भी मैच कर रहा है ना, व्हाइट सब बहुत बढ़िया। अच्छा, और आपने चला के देखा? चलाइए, कब चलाई आपने ये साइकिल? पहले 2 दिन चला ली। हाँ, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ बताओ, अनुभव कैसा रहा चलाने में, डिफरेंस ये साइकिल में, आपके पास भी सेम साइकिल है, तो ये साइकिल चलाने में और वो साइकिल चलाने में आपको क्या अंतर लगा? और साइकिल चलाते तो इतना मजा नहीं आता, इतना इसमें हल्की भी चली। हाँ। और टायर थोड़ी मजबूती लगी होगी आपको इस साइकिल से? टोकरी अच्छी लगी, इसकी भी टोकरी आपकी अच्छी है, बट ये थोड़ा सा अलग है, वो अलग है, दोनों में डिफरेंस तो है वैसे, है ना, इसकी टोकरी कुछ इस तरह से सेम, मतलब सेम तल पर है, उसमें थोड़ी इस तरह से बनाई गई है कि कुछ गिरेगा नहीं सामान, ये है थोड़ा, है ना। चलो दोस्तों, तो ये तो हमने एक छोटा सा रिव्यू देखा, इनका एक्सपीरियंस लिया, व्यू देखा इनका, अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं कि साइकिल में क्या क्या खास बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम इस साइकिल के एक एक स्पेसिफिकेशन पर बात करते हैं कि इसमें मुझे क्या खास लगा। हमने लगभग सारी साइकिलें चला ली है, इलेक्ट्रिक भी चला ली है और ये भी चला ली है, फैट बाइक वगैरह सब चला ली है, तो अब इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोस्तों? ये जो साइकिल है ये
अवेटेड साइकिल है। अवेटेड साइकिल हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि डीकैथलॉन जो ब्रांड है वो दुनिया का सबसे फेमस ब्रांड है स्पोर्ट्स के लिए और साइकिलिंग के लिए। तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो नंबर वन होते हैं। एक ब्रांड है यूनिक्लो जापानीज का, वो जो हमने ये सब पहना है ये बहुत अच्छा ब्रांड हमें लगता है, और एक डीकैथलॉन, ये दोनों बहुत ही बढ़िया है। तो डीकैथलॉन की जो साइकिल है इसकी सीट भी अगर हमने जो अलग से लगवाई है ये भी फैंटास्टिक है, बहुत अद्भुत है। एक एक पर्टिकुलर की बात करते हैं, इस साइकिल में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आता है वो तो एक इसका कलर है, वाइट कलर रेयर होता है, नहीं मिलता है, डीकैथलॉन वाले ये देते हैं। डीकैथलॉन की जो 4999 यानी 5000 की एक बेसिक साइकिल आती है वो भी बहुत अच्छी है, पर थोड़ा सा अपग्रेड अगर आपके पास बजट है तो अपग्रेड कर सकते हो। तो ये 8500 में थी, 8500 में दोस्तों वो बेसिक साइकिल देते हैं, उसमें आपको मडगार्ड नहीं देंगे, सीट कवर नहीं देंगे, ये जैसे यहाँ पे हमारा एक्सेसरीज लेके जाने का है, पॉज कर दो वहाँ पे। दोस्तों मैं आपको बता रहा था, देखो ये एक्सेसरीज कवर है, तो इसमें हम हमारा मोबाइल भी लगा लेते हैं जिससे हम शूट कर रहे हैं, उसको भी लगा लेते हैं, और ये टचेबल भी है, इसको आसानी से टच कर सकते हैं, घड़ी से भी कनेक्टेड हो जाता है। इसमें हम म्यूज़िक भी, अपना छोटा सा JBL का म्यूज़िक सिस्टम रख लेते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होता है साउंड भी आता है और हम राइड भी अच्छी करते हैं और फन आता है, सब लोग पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मोबाइल का ये जो टचेबल है ये इसमें आप कीवर्ड काम करता है, ये भी बहुत अच्छा है। और इसमें लॉक वगैरह भी हमने अलग से लिया था, देखो ये मजबूत सा लॉक देते हैं ये लोग, बट ये सारी एक्सेसरीज अलग से आती हैं। मैं बता रहा था 8500 में, 8500 में साइकिल अलग है, और ये टोकरी बकेट अलग से ली है हमने, ठीक है, एक्सेसरीज अलग से ली है। देखो टूल्स ये 550 का अलग से आता है, ये भी कुछ 400-450 का कुछ ऐसा आता है अलग से, बट हाँ मार्केट में जो मिलता है उससे बेहतर क्वालिटी है। ऐसे करके छोटी छोटी एक्सेसरीज अगर हम देखें तो आगे लाइट जो है ये भी अलग से ली है, ये पीछे वाली बैक लाइट है ये जलती है ऐसे, तो ये लाइट भी अलग है, रात में बहुत ज़रूरी होता है, सीट इसके ऊपर नीचे हो जाती है। मडगार्ड की कॉस्ट अलग है, इसमें हर ये बॉटल के इसकी भी अलग है, बॉटल भी जो ली है उसका भी कॉस्ट अलग है। तो इस तरह सारा कॉस्ट मिला के अगर देखें तो ये 16500 की पड़ी थी, जो बेसिक एक्सेसरी जो चाहिए वो लगाई हैं, वैसे 8500 में है। तो अगर आपको सिर्फ ये कि भाई चलाने के लायक साइकिल चाहिए तो 8500 में ले लो, थोड़ी सी जैसे सीट कवर हमने अलग से ले लिया, ये काफ़ी कॉस्टली था तो ये अच्छा था, तो ये सब करके एक साइकिल कंप्लीट बन जाती है। अब बात आती है इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस की पर्सनली मेरे, तो देखो दोस्तों हमारे पास सारी ही साइकिल है और हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, ये देखो बहुत पतली साइकिल है, तो ये क्या है बहुत ही जो टीनेजर गर्ल्स हैं जैसे खुशी है भी, तो उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। अब ये साइकिल अच्छी है हीरो स्प्रिंट, ये जैसे इनकी साइकिल है अनुराग की, अनुराग के लिए वो बढ़िया स्कूल कॉलेज गर्ल्स बॉयज भी, और जैसे ये एम्पा साइकिल के टायर देखो दोस्तों कितने मोटे मोटे टायर्स हैं, तो ये थोड़ी सी ये साइकिल की बुलेट हो जाती है, चलाने में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप क्या कहोगे? फैट बाइक है, फैट बाइक। और आप जो कैमरे पे हो हैप्पी, आपका क्या अनुभव है साइकिल के लिए? बहुत अच्छी साइकिल है, नहीं चलाने में वो मजा आता है। हाँ, मजा आता है। और आपने वो जो हमारे पास एक और जो हमारे फ्रेंड्स अभी वो जन्माष्टमी का दिन है तो वो अपने गांव चले गए, फैट बाइक उनके पास और बड़े टायर वाली साइकिल है हिमांशु, उनका वीडियो चलाइए, उसका भी वीडियो अगले वीडियो में रिव्यू करेंगे, तो वो वाली चलाइए तो वो और कंफर्टेबल राइड देती है, बट तेज स्पीड नहीं पकड़ती क्योंकि मोटे टायर हो जाते हैं, कंफर्टेबल है हमारे पास उसमें गियर मानों के तो अच्छा है, लेकिन हम उसको दौड़ा के भाग नहीं सकते, 20-22 किलोमीटर नहीं लेके जा सकते। लेकिन दोस्तों इस साइकिल को मैंने दिल्ली में महिपालपुर चौक से लेकर के वसंत कुंज से होते हुए, मैं घटोनी फेज वन में रहता हूँ तो वहाँ तक लेके गया हूँ, और वहाँ पे बायो डाइवर्सिटी पार्क है गुड़गांव में, वहाँ पर तो वहाँ पर भी मैं इसको खूब राइड करता हूँ, तो मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20-22 किलोमीटर हम ऐसे ही राइड कर लेते हैं। और जो सीमेंटेड रोड होता है उस पर भी अच्छी चलती है, लेकिन जो डामर रोड जो बेसिक जो रोड होते हैं हमारे हाईवे पर उन पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैंने हाईवे पर इसको भी चलाया NH8 पर, तो ये इतनी ग्रिप नहीं देता, मतलब थोड़ी सी टाइट भी नहीं कहूँगा, चलती स्मूथ है लेकिन स्पीड नहीं पकड़ती। लेकिन दोस्तों इसकी स्पीड आपको बाइक वाइक के साथ भी चलती है, मेंटेन करती है, और इसकी ब्रेक बहुत अच्छी है, इसकी ब्रेक का जो है ये बहुत ही अच्छा है, देखो बहुत बहुत मजबूत ब्रेक है इसके, इसका स्टैंड भी अलग से लिया वो भी बहुत अच्छा है, तो इसकी सभी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। लेकिन जो हाईवे पर जो इसकी स्पीड है ना वो हमारी और किसी की साइकिल में मैंने जो हमारे और ब्रांड्स की जो साइकिल ली है उनमें उतनी स्पीड मैंने नहीं देखी जो इसमें स्पीड पकड़ती है। और सेफ्टी कंसर्न इसमें ज़्यादा है क्योंकि ग्रिप अच्छी होती है, लाइटिंग वाइटिंग सब इसमें डीकैथलॉन वालों को मैं बेस्ट बोलूँगा, क्वालिटी के मामले में दे आर बेस्ट। तो इसीलिए मैंने कहा कि अवेटेड साइकिल है, और हम इतने सालों से साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग को प्रमोट भी करते हैं, तो
इस साइकिल का बड़ा वेट था कि एक डिकैथलॉन की साइकिल खरीदें, तो हमने बड़ी कोशिश भी करी दोस्तों कि ये साइकिल मंगवाएं। तो यहाँ पे राजस्थान में ट्राइबल एरिया अलवर के पास, हम सरिस्का के पास रहते हैं बांदीकुई में, तो यहाँ पे डिकैथलॉन का कोई स्टोर ही नहीं है। जयपुर से लानी पड़ रही थी या फिर हम अमेजोन और उस पर तो फ्लिपकार्ट मिलती नहीं है। तो फिर मैंने किया कि दिल्ली में रहता हूँ तो गुड़गांव में, वहाँ मैंने ले लिया और इसको फिर गाड़ी के पीछे लेके आ गया। उसका भी हमने एक ब्लॉग बनाया था, आपने देखा होगा, तो वो लेके आए और अब यहाँ पर हम चला रहे हैं क्योंकि असेंबल नहीं करना पड़ता था, सारी चीज़ें हम एक साथ ले आए, तो वो बहुत अच्छा रहा। इसको फिर चलाने में यहाँ मज़ा आ गया। दोस्तों आपको कैसा लगा, आप अपना लास्ट और एक और रिव्यू दे सकते हो, चला के देखा कैसा मज़ा आया, बोलो बोलो जल्दी बोलो कैसा। कुछ थोड़ी स्पीड पकड़ती है ये साइकिल, थोड़ी देर चलाएंगे तो बहुत स्पीड आ जाएगी। मतलब मैं तो दोस्तों इसमें थकता नहीं हूँ, कम ताकत में ज़्यादा वो मन भर के चलाओ, इसमें थकते नहीं है और पिकअप अच्छा हो जाता है इसका। और सबसे अच्छी बात है जो दोस्तों डिकैथलॉन वालों ने जो एक्सेसरीज लगाई है ना, ये बहुत ही काम का है। हम इसमें छोटा सा म्यूजिक सिस्टम रख लेते हैं, मोबाइल लगा लेते हैं, वॉच से कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें मोबाइल का भी सब कॉल वॉल आ जाता है, तो हम म्यूजिक सिस्टम भी चलाते हैं और सारा इसमें यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल है। और लॉक वगैरह को आपको अलग से ना टांगना नहीं है दोस्तों, लॉक वगैरह जैसे हम दूसरे साइकिलों में टांगते हैं ना पीछे लगे हुए हैं, तो वो थोड़ी धूल मिट्टी में भी लगते हैं बाहर से, कोई तुम्हारा तो कोई चोर के भी लेके चला गया ना, बाहर लगा हुआ था। अब जैसे देखो उसमें आपने लगाया नहीं, आपकी साइकिल वहाँ पे लगा, इन्होंने यहाँ आगे लगाया होता है यहाँ पर, ये देखो, तो यहाँ से कोई भी निकालेगा, देखो आराम से निकाल सकता है कोई भी। जैसे ये रेड बटन है, इसको निकाला कोई भी लेके चला जाता है। तो हैप्पी की साइकिल में से तो कोई ऐसे कोई लेके भी चला गया, बट इसमें क्या है थोड़ा सेफ रहता है, इसे पता भी नहीं कि क्या है, और बिल्कुल सेफ रहता है, बढ़िया रहता है। और धूल मिट्टी भी जब आती है बारिश में तो वो लॉक भी गंदा होता रहता ना, हाँ, कीचड़ में जाती है जब साइकिल, तो वो नहीं होता, ये बढ़िया है। और ये कवर वगैरह अच्छा है। और एक और पॉइंट मैं बताना भूल गया, घंटी वगैरह तो सब इसकी अच्छी है, लाइट अच्छी है। दोस्तों ये जो ग्रिप है ना, ये बाइक की तरह मिलती है कि नहीं, इनके स्प्रिंट में भी बहुत अच्छा है। इसमें देखो एम्पा का सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, बट ये चीज हमें मिसिंग लगती है कि ये बहुत ही पतले हैं, ऐसे घूम जाते हैं, हाँ थोड़े घूम भी जाते हैं, ये बहुत चीप लगा है। देखो पास से दिखाओ तो, ये देखो घूम जाते हैं, बड़े चीप लगाए हैं। तो ये एम्पा को इस पे काम करना, अभी काया के नाम से आती है दोस्तों, अभी काया के नाम से बिक रही है अमेजोन पर। ये भी सब एक्सेसरीज अलग लगाई थी, लेकिन ये बहुत पतले हैं है ना, और इनके में देखो स्प्रिंट पे ये अच्छा है, ये पिकअप है बढ़िया है अच्छा सा, तो इसमें ये भी बहुत अच्छा है। और ब्रेक तो अच्छे स्मूथ है, क्योंकि ब्रेक इसके ना थोड़े नीचे, आपने ध्यान दिया, इसके थोड़े नीचे होते हैं, इसके भी नीचे हो जाते हैं, बट फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं आ पाते जो इसके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। और अभी समय इसकी एक और बात मुझे अच्छी लगी, जैसे ये एम्पा है, फैट बाइक है, तो बच्चे से नहीं चला सकते हैं या फिर लड़के नहीं चला सकती है, हाँ ये दिक्कत है कि इसको ये थोड़ी ऊंची है खुशी, और ये नहीं, ये जो हमारी रॉक राइडर है इसे लड़कियां भी चला सकती हैं, लड़के भी चला सकते हैं और बच्चे भी चला सकते हैं, इसकी सीट नीचे हो जाती है, सीट भी नीचे हो जाती है, वो तो उसकी भी हो जाती है, पर ये डंडा ही इसमें नीचे लगा हुआ, आप देखो जरा डंडा ही नीचे लगा हुआ है, वही ये बहुत अच्छा है। और जैसे फैट बाइक वैभव हमेशा बताते हैं अपने वीडियो में कि अगर डंडा ऊपर रहेगा और अगर आप चला रहे हो और अलग से नीचे आना पड़ गया तो फिर ये आपको दिक्कत देगा, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं देगा, इसीलिए गर्ल्स के लिए वो बहुत अच्छा है, ये एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों। हाँ जी आपका कुछ देखकर बता दीजिए, आप कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी से बता सकते हैं। बताओ मोनिका जी, बहुत अच्छी है ऐसे, इसका स्टैंड है, सभी साइकिल के स्टैंड जो होते हैं ना, तो पहिए के पास में होते हैं, इसमें हाँ हाँ अलग है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, वो थोड़ा अलग ही लगा है ना, ये बहुत अलग जगह का लगाया इन्होंने, ये इन्होंने अच्छी बात कवर करी है, इन्होंने अच्छी बात कवर करी है, हाँ, कि कोई बैठ के उसको नहीं कर सकता वो ये आपको सही। और डंडा भी सही लगा ना, डंडा ऊपर नहीं है, वो डंडा नीचे से आया। खुशी आपका कोई फाइनल टेक? हाँ, और इसकी लाइट है ना जो सीट के लिए जाती है, बहुत काम आती है। हाँ लाइट भी बहुत अच्छी काम आती है, आपके भी लाइट बहुत अच्छी है वैसे ये, और इनका भी ये बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। तो सब हम दोस्तों हम सब लोग यहाँ पर चलाते हैं नाइट में लाइट के साथ और उनके साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिट्टू आपका? हाँ, मुझे इसके टायर भी बहुत अच्छे लगे, मतलब एम्पा के बाद कोई साइकिल मुझे टायर में ग्रिप में अच्छी लगी तो वो यही है, पतले भी हैं, मजबूत भी हैं और चलने भी बहुत बढ़िया, हैंडल इधर उधर नहीं घूमता इसका। हाँ हाँ हाँ, कई साइकिलों में मुझे क्या प्रॉब्लम आती है कि मेरा जब मैं एम्पा के बाद चलाता हूँ तो मेरे को वो हैंडल घुमा घुमा लगता है, तो फिर मैंने ये चलाई तो मेरे को इसमें बिल्कुल नहीं लगा, तो मेरे को ये अच्छा लगा। और इसके मडगार्ड है ना, और इसके मडगार्ड लोगों ने अच्छे बनाए, लाइट लगाए ना ताकि साइकिल का वेट कम से कम दिखे। उनकी एक और बात मुझे अच्छी लगी,
हमने इतना ही एरिया कवर करा है, ज्यादा नहीं फैला है, देखिए इतना ही एरिया कवर करा है कि इतने में कीचड़ आएगा, इतने में कीचड़ आएगा तो वो अच्छा आएगा। पर अगर दूसरे साइकिलों में देखें जैसे ये वाली है, इसमें थोड़ा सा बड़ा है, हाँ ये भी बात है, और ये हल्के पतले पतले लगाए हैं, सही है वही कीचड़ फूल साइड में से निकल जाता है ना। दोस्तों मैं आपको देखो ये वजन दिखा दो, ये कितनी लाइट है, देखो ये इतनी लाइट है, देखो एक हाथ से हम इसको लेके जा सकते हैं ऐसे, इतनी इतनी हल्की है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारी साइकिल का रिव्यू कंप्लीट हुआ, फिर अब हम एक फैट बाइक है हमारे पास, बहुत मोटे मोटे टायर है उसके, शिमानो के गियर हैं बहुत बढ़िया, और उसको बंदा भी जो हिमांशु है वो भी ऐसे ही मस्ती से चलाता है, तो उस वाली साइकिल का रिव्यू करेंगे फैट बाइक का। तब तक के लिए बाय बाय बोल देते हैं, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।